है एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने जिंदगी में पूरा मस्त होंगे। तो अभी देख सकते हैं सुबह का टाइम है और सुबह के देखिए 9 बज रहा है और 9 बजे का धूप आप देख सकते हैं कि कितना कड़ा धूप है। बहुत ये देख सकते हैं कि धूप देखिए कितना कड़ा है। सूर्य का रोशनी ऊपर की ओर है यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक देखिए पौधा में देखिए सन का प्रभाव पहुँच रहा है। सब सारे पौधों में इसमें वाटर डाले हैं, सभी में पानी डाला गया है। और यहाँ रौनक क्या कर रहे हैं जी? देख सकते हैं क्या कर रहा है ये, क्यों भर रहे हो? पौधों में पानी देने का नया स्टाइल। पौधों में पानी देने का नया स्टाइल है, देख सकते हैं। इसमें दूंगा वही, इसको तो दे दिया, अब इसका बारी। गाइस ये सनी का पौधा है, इसमें अभी इसको मैं नहीं दे सकता। सनी का पौधा में नहीं देना है पानी, बाकी सब में दे सकते। सनी का पौधा में पानी नहीं देना, बाकी सब में देता हूँ। इसमें भी तो इधर देख सकते हैं। और इसको वाटर बैलून है, होली का बच गया था। वाटर बैलून है देख सकते हैं, होली का बच गया था और अभी ये गिर गया। अभी देख सकते हैं बकट हम बक जब भी टीचे टिंग पानी पटुमा चम चम बक्का पल गुंगुरू बजक चल कुटामा डाल तंगन कंगना तवे चूरी चंदरा डाल तंगन कंगना तवे चूरी चंदरा आय हाय चुनरी तेरी चमकने गुलाबी सरारा आय हाय चुनरी तेरी चमकने गुलाबी सरारा ठग जवान पाए तुती पोल की दिखवी एक बढ़िया सा रैप सुना ना। जो समारदा ठठा गबरू जवान बाय ती पोल की देखनी सी का सारदा सता रुत ब का सारदा दा सुन चादी मिल कारदी कारोबार नंबर प्लेट लगे कारदी। और अभी मार्च का महीना चल रहा है और इतना भारी गर्मी हो रहा है बाहर। और गाइस देख सकते हैं यहाँ पर इतना सारा कंबल अभी भी और सो रहे हैं हम लोग को ठंडी बहुत ज्यादा लग रही है। क्या कर रहे हैं आइए। दादी जी यहाँ पर बात कर रहे हैं मामा, और चलिए उधर चलते हैं। और चाक बना रहे थे, देख सकते हैं रौनक दादा क्या कर रहे हैं। व्हाट हैपेंड ब्रो? क्या तो गाइस अभी हम लोग आए हैं बाथरूम की तरफ नेचर कॉल के लिए। रौनक जा रहा है वहाँ पे, थोड़ा देखेंगे बगान में क्या क्या लगा हुआ है। और यहाँ पे कुछ गुस्सा तो नहीं ना है, देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग लगाए हैं झींगा परवल सब लगाए हुए हैं, करेली वगैरह सब लगा हुआ है। अभी निकला नहीं है, कल ही लगाए हैं। चलते हैं आगे, देखिए यहाँ पे कितना सारा अमरूद फला हुआ है ना, अमरूद फला हुआ। आगे चलते हैं, देखते हैं अपने जगह को देखते हुए अच्छे से। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घास है और वहाँ पर देख सकते हैं वहाँ पर है हम लोग का आम का पेड़। इससे ही हम लोग गर्मी का दिन में आम तोड़ के चटनी बना के खाते हैं। यही हमारा छोटा सा चलते हुए आप लोगों को दिखा रहा है। कटहल का पेड़ आप देख सकते हैं, कटहल फला हुआ है। गर्मी के टाइम आ गया है, अब कटहल फला हुआ है। अभी छोटा है, धीरे धीरे ये बड़ा होगा। देख सकते हैं लोगों पहाड़ का नज़ारा दूर से। चलो अभी चलते हैं वापस घर की ओर।
ये पक पक के अमरूद सब सब नीचे गिर जा रहा है, देख रहे हैं ना, सड़ जा रहा है। सो गाइस, अभी हम लोग ने डिसाइड किया है कि अभी बहुत ही ज्यादा धूप हो रही है, हम लोग अभी कोका कोला पियेंगे। कोका कोला पिलाएगा ना? हाँ पिलाएंगे, वो भी आपका ही पैसा से। मेरे पास पैसा तो नहीं है। आप हमको पैसा दिए, देख सकते हैं, देखिए अमरूद फटा हुआ, देखिए बड़ा सा है ना, बड़ा देख रहा है ना। हाँ, और वो येलो येलो भी हुआ, यानी कि पूरा पक चुका। बाबू चुपचाप देख रहा, स्माइल कर रहा है और आगे की ओर थर्मल देख सकते हैं। बॉल है बड़ा सा। अगर आप लोगों को कुछ खरीदना है और यहाँ से जो देख रहे हैं आप लोग आ सकते हैं। ये हमारा सिंगार स्टोर नहीं है, हमारे ही रिलेटिव का है, तो ये देख सकते हैं सिंगार का दुकान है। और यहाँ पे देखिए सिंगार की सामान है, आपको जो भी चीज़ चाहिए इसके लिए सभी चीज़ मिल जाएगा आपको। देखिए खूबसूरत सा तोता है, कितना अच्छा लग रहा है। तो आपको जो भी चीज़ चाहिए आप लोग आके यहाँ पे खरीद सकते हैं। फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नए सोच के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।